दिस इज नमिता तिवारी और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ IUPAC नेम्स के लिए। सिंपल हाइड्रोकार्बन से मैं स्टार्ट करूंगी, तो जो भी बेसिक रिक्वायर्ड है इस वीडियो के लिए या इस नेम को समझने के लिए वो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस दो वीडियो में दे चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो 10th, 11th, 12th तीनों ही क्लासेस के लिए यूजफुल है, तो आपके फ्रेंड्स, जूनियर्स, सीनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंपाउंड के साथ में। जब भी आप IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे किसी भी कंपाउंड का, आपने सबसे पहले वर्ड रूट लेना है, मतलब हमारी केमिस्ट्री का 1, 2, 3, 4 फाइंड करना है। इसके लिए आपने काउंट करना है कार्बन। सो इन माई दिस कंपाउंड 1, 2, 3, 4 आई एम हैविंग 4 कार्बन और 4 के लिए वर्ड रूट है ब्यूट। तो ये मैंने ले लिया वर्ड रूट, पहला स्टेप क्लियर हो गया। देन वर्ड रूट लेने के बाद आपने देखना है बॉन्ड्स किस टाइप के हैं कार्बन के बीच में। इफ ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल राइट A and E, ये प्राइमरी सफिक्स आपको ऐड कर देना है। तो देखिए कितना सिंपल है, इस कंपाउंड का नाम बन गया ब्यूटेन। ठीक है, यदि 3 कार्बन होते तो हम लिखते प्रो और सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए A and E, सो दैट विल बिकम प्रोपेन। यदि मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा दूं सो दैट विल बिकम पेंटेन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ये जो मेरा एग्जांपल है इसमें डबल बॉन्ड है। ओके, तो सबसे पहले कार्बन काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड टेक द वर्ड रूट। सो वर्ड रूट अगेन इट विल बिकम ब्यूट, बट अब क्योंकि एक डबल बॉन्ड है इसलिए आपने सफिक्स ऐड करना है इसमें ENE। जब भी डबल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप हो आपके कंपाउंड में, आपको कार्बन की नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग आप उस एंड से स्टार्ट करिए जहां से ये डबल बॉन्ड पास में हो, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट हो। तो इस केस में हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं यहां से 1, 2, 3, 4। आप ऐसे भी आए तो भी सेकंड पोजीशन ही मिलना है और ऐसे आए तो भी आपके डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन ही मिलनी है। तो डबल बॉन्ड सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में है, आप लोएस्ट नंबर लेंगे और उसको इस ENE के पहले डैश करके लिखेंगे। तो एक्चुअली इस कंपाउंड का IUPAC नेम है ब्यूटूइन। आप इसको 2-butene भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैंने इसको डिफिकल्ट किया है। अब ये स्ट्रेट चेन नहीं है, यहां आपको पैरेंट चेन सिलेक्ट करना होगा। जब आपका कंपाउंड ब्रांच्ड हो, 2 से ज्यादा एंड्स हो, देखिए इसमें 4 एंड्स हैं, तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसको कि हम पैरेंट चेन बोलते हैं। मेरे इस कंपाउंड में ये वाली जो चेन है यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हो सकती है। आप वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड 3 कार्बन। सो आई एम हैविंग 3 कार्बन इन दिस पैरेंट चेन। ये पैरेंट चेन हो गया, 3 के लिए आप वर्ड रूट ले लीजिए एंड फॉर 3 वी आर हैविंग अगेन प्रोप। बॉन्ड्स देख लीजिए, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड इन पैरेंट चेन, ENE ऐड कर दीजिए। अब जो आपके पैरेंट चेन में नहीं आ पाए हैं जो ग्रुप, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो देखिए आई एम हैविंग दिस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड आई एम हैविंग दिस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है मिथाइल, सो आई विल राइट डाउन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हम लोग प्रिफिक्सेस लगाते हैं, सो आई विल राइट मिथाइल। और क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है तो आप 2 बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, आप इसके आगे लगा देंगे डायमिथाइल। सो इट इज डायमिथाइल प्रोपेन, बट यस नंबरिंग अभी करना बाकी है। तो नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग हम करेंगे इस एंड से, फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। आप ऐसे भी नंबरिंग करें सो इट विल गेट सेकंड पोजीशन। अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप भी सेकंड पोजीशन पर है, ये मिथाइल ग्रुप भी सेकंड कार्बन से अटैच है, तो हम पोजीशन बताएंगे 2,2 एंड डायमिथाइल।
प्रोपेन, ये कैपिटल लेटर्स जो है ये आप स्मॉल कर लेंगे. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम हैविंग, और अगेन आपने कार्बन चेन सिलेक्ट करना है. यहाँ ब्रांच नहीं है तो यही जो कार्बन है वही मेरी प्रिंसिपल चेन है. तो चलिए काउंट कर लेते हैं इन कार्बन को. आई एम हैविंग थ्री कार्बन. तो थ्री के लिए वर्ड रूट ले लीजिए प्रोप. एंड नाउ आई एम हैविंग टू सीएल ग्रुप. सीएल के लिए प्रीफिक्स लगा दीजिए क्लोरो. एंड अगेन आगे हम ऐड कर देंगे डाइक्लोरो. नाउ नंबरिंग अभी बाकी है, तो नंबरिंग करना है उस एंड से स्टार्ट करिए जहां से सीएल ग्रुप, दोनों सीएल ग्रुप नियरेस्ट हो. तो मेरा जो एंड है वो ये वाला एंड है जहां से सीएल बहुत नियरेस्ट है. एक तो यही है और दूसरा सेकेंड पोजिशन पर. नाउ वी विल राइट द पोजिशन ऑफ बोथ द सीएल ग्रुप. So one is present at first carbon and second carbon पर दूसरा CL group है. तो नाम हो गया मेरे compound का 1,2 dichloro. And yes, the very important thing that is suffix जो हमने नहीं लगाया है. तो carbon carbon के बीच में क्योंकि single bond है तो हम लगा देंगे ANE. So the name of compound will become 1,2-dichloropropane. कुछ और एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस. सबसे पहले वर्ड रूट ले लीजिए. हर एक कंपाउंड में पहला काम आपने वर्ड रूट लेना है. सो इन दिस कंपाउंड आई एम हैविंग ओनली टू कार्बन. इस सी से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सी एल वाला सी है. सो दीज आर टू कार्बन. दो कार्बन के लिए आप वर्ड रूट लेंगे इथ. एंड इनके बीच में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ऐड कर दीजिए ए एन ई. तो हमारे कंपाउंड का नाम बना इथेन. ये हमारा जो पैरेंट चेन है ये इसका नाम हो गया इथेन. अब जो बाहर रह गया है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है. चलिए नाम लिखेंगे एंड नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन नंबरिंग इस बार यहाँ से होगी क्योंकि फर्स्ट कार्बन हम इसी को कंसिडर करेंगे. 1,2 पोजीशन पर है दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. यदि ऐसी कंडीशन हो कि दोनों एंड से जो पोजीशन है वो सेम आए तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले आता है, क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आता है एबीसीडी में, तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे. 1,2 ऐसा नंबरिंग नहीं करना है. यस सो 1 ब्रोमो एंड ऑन सेकेंड क्लोरो ग्रुप इज देयर. लिखने में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है. तो फर्स्ट यू विल राइट 1 ब्रोमो ओके, देन यू हैव टू राइट 2 क्लोरो एंड देन वी विल राइट इथेन. सो इट इज 1 ब्रोमो कॉमा 2 क्लोरो एंड नाउ राइट डाउन द ethane. Okay students, now take the next example. Next example I am having this one. So first of all select the, kyunki ab branch hai, select the longest possible carbon chain. This chain include 4 carbon but aise aayenge to 1,2,3 and we are having 2 carbon here. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ CH2CH3. थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसको लिखा है C2H5. सो वी विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, दिस वन. 1,2,3,4,5. सो 5 के लिए वर्ड रूट ले लीजिए दैट इज पेंट एंड ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड एड ANE. तो पेंटेन जो बाहर रह गया वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और इस केस में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है हमारा मिथाइल. नंबरिंग कर दीजिए 1,2,3, 1,2,3. कैसे भी नंबरिंग करें आप, थर्ड पोजीशन पर ही आना है इस ग्रुप को. सो वी विल राइट 1,2,3,4 and 5. सो द मिथाइल ग्रुप हैविंग द पोजीशन 3. सो नाउ इट इज 3 मिथाइल पेंटेन. Now, come on the next example.
दिस इन दिस कंपाउंड देयर इज ट्रिपल बॉन्ड. यदि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, आपको आपकी पैरेंट चेन में इसको इंक्लूड करना कंपल्सरी है. तो भले ही आपका चेन जो है वो छोटा रह जाए, बट इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस कार्बन चेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो वी विल सिलेक्ट दिस चेन हैविंग 4 कार्बन. टेक द वर्ड रूट. सो वर्ड रूट मैंने लिया यहाँ पर ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है मेरी सिलेक्टेड चेन में, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है दैट्स वाई आई विल राइट. ट्रिपल बॉन्ड का जो सरनेम है दैट इज वाई एनी. तो आइन मैंने ऐड कर दिया. आइन का पोजीशन बताना पड़ेगा. सो नंबरिंग हम उसी एंड से करेंगे जहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो. सो यहीं से कर दीजिए फटाफट नंबरिंग. सो मेरे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आ गया 1, ब्यूट 1, आइन. एंड इस ग्रुप का नाम बताइए. तो इस ग्रुप का नाम है C2H5, और C2H5 होता है इथाइल ग्रुप. सो राइट डाउन इथाइल, एंड द पोजीशन ऑफ इथाइल ग्रुप इज सेकेंड कार्बन. सो इट इज 2 इथाइल ब्यूट 1 आइन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड रूट लेंगे. नाउ वर्ड रूट कैसे लेंगे? 1 2 3 यू कैन सिलेक्ट दिस चेन, और 1 2 3 यू कैन सिलेक्ट दिस चेन. एनी हाउ 3 कार्बन ही आने हैं आपके पैरेंट चेन में. तो चलिए जब ऐसा कंडीशन हो आप स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करिए, ज़्यादा ईजी होता है. सो दिस इज माई प्रिंसिपल चेन, 3 कार्बन. चलिए वर्ड रूट ले लेते हैं 3 के लिए. दैट इज प्रोप. बॉन्ड्स बीच में ऑल आर सिंगल बॉन्ड. सो एड ANE, नाम हो गया प्रोपेन. नाउ आई एम हैविंग 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ब्रोमो, क्लोरो एंड मिथाइल. नंबरिंग उसी एंड से करिए जहाँ से ये नियरेस्ट हो. यस ऑफकोर्स मेरे इस पहले कार्बन पर ही 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंड पर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो नंबरिंग मैंने किया 1 2 3. चलिए पोजीशन बता देते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे, यस अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. पहले लिखेंगे ब्रोमो का नाम, फिर लिखेंगे क्लोरो, एंड क्योंकि मिथाइल का एम बाद में आता है देन वी विल राइट मिथाइल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से ब्रोमो. इट इज 1 ब्रोमो. नाउ नेक्स्ट इज 1 क्लोरो, and next I am having methyl group. So I will write down 2-methyl, and the compound is propane. So it is 1, sorry ye dash lagaiye aap number ke baad mein, 1 bromo, 1 chloro, 2 methyl एंड प्रोपेन. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी फंक्शनल ग्रुप के लिए और कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए.